हाय गाइस, आप कैसे हैं? आप सब लोग उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी रीजन का गूगल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, और अगर किसी कंट्री में गेम लॉन्च हुआ है या बीटा लॉन्च हुआ है तो उसको आप कैसे इंस्टॉल कर खेल सकते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर, जैसे मैं बताता हूँ, मैं इंडिया से हूँ तो प्ले स्टोर में सर्च करो पबजी मोबाइल। देखो यहाँ पर शो नहीं होगा अभी क्योंकि इंडिया में पबजी बैन है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे क्विक वीपीएन। मैं कोई भी आप वीपीएन डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब इसे ऑन करते हैं अपन। ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट बना रहे हैं मुझे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सर्वर सेलेक्ट कर लिया मैंने, कनेक्ट कर दिया है। आप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आपको सेटिंग में जाके गूगल में जाना है। यहाँ पर गूगल जाके फिर आपको नॉर्मली अकाउंट बना, जैसे आप अकाउंट बनाते हैं आपको अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे आपका अकाउंट बनाना है, जैसे आप बनाते हैं नाम अपना सरनेम सब लिख के फिर इसका सब बंद कर देना है। फिर प्ले स्टोर का डाटा आपको क्या, प्ले स्टोर में जाना है फिर, और यहाँ पे आपको क्लियर कैसे करना है पहले, और फिर क्लियर डाटा। ये करने के बाद प्ले स्टोर को बंद करके फिर से प्ले स्टोर को ऑन करेंगे अपन। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ये हो गया है। अब यहाँ पे अपन जो अकाउंट बनाया था अभी वीपीएन कनेक्ट करके ऑस्ट्रेलिया का, उसको सिलेक्ट कर लेना वाले अकाउंट को। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा पबजी मोबाइल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पबजी अब आ गया है। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, और हम सर्च करेंगे वॉरज़ोन मोबाइल। ये मैंने वॉरज़ोन मोबाइल सर्च कर, देखो ये भी आ गया है। अब ऐसे आपका अकाउंट बना के आप खेल सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, प्ले स्टोर में जाना है, पहले कोई सा वीपीएन डाउनलोड करना है, जिस रीजन का आपका अकाउंट बनाना है उस रीजन का वीपीएन सिलेक्ट सर्वर सेलेक्ट करके फिर आपको गूगल में जाना है, फिर अकाउंट बना लेना है। वहाँ पर प्ले स्टोर पर आकर आपको प्ले स्टोर का डाटा क्लियर कैसे करना है, फिर क्लियर डाटा करना है। ये करने के बाद वापस से आप प्ले स्टोर को ऑन करेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस टाइम आपका वीपीएन पूरा कनेक्ट रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो तो एक दो तीन बार वो बार प्ले स्टोर का डाटा आपको क्लियर करना है, क्लियर डाटा, या फिर रीस्टार्ट करना है मोबाइल को। क्लियर डाटा करके फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं मोबाइल, इससे भी आपका अकाउंट बन जाएगा और आपको जो गेम डाउनलोड करना है वो आपको गेम डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा।